दोस्तों फाइनली Redmi K20 को MIUI अपडेट मिलने के बाद में और फाइनली Redmi Note 7 Pro में भी MIUI 11 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास Redmi Note 7 है तो आपको अपडेट कैसे मिलेगा और अगर नहीं मिला है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसा कि दोस्तों Xiaomi ने वादा किया था, शेड्यूल के हिसाब से 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इन डिवाइसों को यहाँ पर अपडेट देगा, जिसमें है पोको F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Pro। यहाँ पर दोस्तों Redmi K20 को सबसे पहले अपडेट मिला है, अब उसके बाद में दोस्तों फाइनली आ चुका है Redmi Note 7 Pro के लिए। लेकिन दोस्तों जिनके पास Redmi Note 7 और Redmi Note 7S है उन्हें यहाँ पर अपडेट नहीं मिला है फिलहाल, और यहाँ पर दोस्तों जिनके पास पोको F1 है उन्हें अभी थोड़े दिन बाद मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है इंडिया में। अब फाइनली दोस्तों जो Redmi Note 7 Pro वालों के लिए MIUI अपडेट आ चुका है, जिसका जो वर्जन है MIUI 11.0.5.0 जो एंड्रॉइड 5 है और जो भी थे लास्ट वर्जन पर उनके लिए स्टेबल वर्जन है 746 MB का। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिक्स तो नहीं बताया गया है, जो लिखा हुआ है अदर्स में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जो MIUI 11 में आपके लिए आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे और अन्य चीज़ें होंगी। अगर बात की जाए कि आपने किस प्रकार से इसे अपडेट करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस का अपडेटर ऐप, अगर वहाँ पर अपडेट मिल रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर दोस्तों जब फुल लिंक होगी तो उसे आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में आपने सेटिंग में जाना अपने डिवाइस की, फिर अबाउट फोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट में जाना है। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये फाइल दूंगा ये आपने डाउनलोड करके रख लेनी है, और जैसे रख लोगे उसके बाद जहाँ पर आपने जाना सिस्टम अपडेट में और 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन, तो जहाँ पर भी आपने फाइल सेलेक्ट रखी होगी तो वो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका जो डिवाइस है अपडेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊं तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने अपने डिवाइस में MIUI 11 अपडेट करना है। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर आपके डिवाइस में क्यों नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल ये जो वर्जन है ये एक बीटा स्टेबल है, यहाँ पर आप स्टेबल वर्जन देख रहे होंगे लेकिन यहाँ पर बीटा वो लिखा हुआ होता है, यानी कि ये एक बीटा स्टेबल वर्जन है जो केवल कुछ यूजर्स को दिया जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पर कुछ कमी तो नहीं है, जहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद में वो सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बाद में जो बाकी बचे हों यूजर्स होते हैं तो उन्हें मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको नहीं मिला तो आप वेट कर लीजिएगा, आपके डिवाइस में ऑटोमेटिकली 10 से 15 दिन के अंदर अब ये अपडेट आ जाएगा। तो फिलहाल तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस अपडेट के बारे में, जैसे दोस्तों कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको पूरी क्लियर करके बता दूंगा कि किस प्रकार से आपने डाउनलोड करना है और फ्रेश करना है, तो तब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है।